वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है केएस तोमर। एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस के लिए स्टूडेंट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वेलकम फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इग्नू ने जुलाई 2019 के लिए री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं और काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था जुलाई 2018 में, उन सभी को री रजिस्ट्रेशन करना है। बट काफ़ी स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या एग्ज़ाम से पहले हमें री रजिस्ट्रेशन करना होगा, बिकॉज़ अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आपको एग्ज़ाम देने होंगे, एग्ज़ाम पास करने होंगे, उसके बाद री रजिस्ट्रेशन करना होगा। मगर हम बात करें अगर इग्नू यूनिवर्सिटी की, आपकी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम से पहले री रजिस्ट्रेशन करना होता है अपने नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर आपने जुलाई 2018 में एडमिशन लिया है तो अभी आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 मई 2019 तक दी गई है और अभी आपके एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल हो रहे हैं 31 मार्च तक। तो पहले आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें जो जून 2019 एग्ज़ाम के लिए है, और उसके बाद अपना आप री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म को फिल करें। री रजिस्ट्रेशन एक मैंडेटरी प्रोसेस है जो आपको कंप्लीट करना ही है। अगर आप री रजिस्ट्रेशन इस बार नहीं करेंगे 31 मई से पहले, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, यानी कि करीबन आपका 6 महीने से लेके 1 साल तक पूरा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर में नहीं जा पाते हैं। तो एग्ज़ाम तो आपको जून में देने हैं, बट आपको रजिस्ट्रेशन पहले ही करना पड़ेगा अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम से पहले। तो इसलिए री रजिस्ट्रेशन आप अपना 31 मई से पहले कर लें और अपने नए सब्जेक्ट चूज़ करें, ताकि आप नेक्स्ट ईयर अपने सेकंड ईयर या सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे सकें। एंड साथ ही साथ एक क्वेश्चन और काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है कि री रजिस्ट्रेशन की फ़ीस क्या है, उनको क्या फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, री रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आपको वही सबमिट करनी है जो आपने एडमिशन के टाइम पर सबमिट की थी। सपोज़ डैट अगर आपने लास्ट ईयर यानी जुलाई 2018 में एडमिशन के टाइम पर बीए में एडमिशन लिया है और आपने वहां पर 2400 रुपये फ़ीस की थी, तो इस बार भी आपको सेकेंड ईयर के लिए 2400 रुपये फ़ीस सबमिट करनी होगी। तो ये फ़ीस आपके कोर्स के अकॉर्डिंग होती है, जिस कोर्स में जिस हिसाब से फ़ीस दी गई है उसी हिसाब से फ़ीस पे की जाएगी। सभी कोर्स के अलग अलग फ़ीस है, तो आप इस चीज़ को प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं। एंड 31 मई इसकी लास्ट डेट है री रजिस्ट्रेशन की, तो इसे ज़रूर करें, बिकॉज़ अगर आप री रजिस्ट्रेशन मिस करेंगे तो आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए री रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें और सबसे पहले अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 मार्च तक ही है। आई होप आपके ये सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।